और संगीत अर्थात रस, जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने बांसुरी उठा ली। उन्होंने देखा कि नीति चाहिए, ज्ञान चाहिए, मर्यादा चाहिए, आदर्श चाहिए, परंतु जिंदगी की कोई धुन भी होनी चाहिए। तो एक धुन में यदि व्यक्ति जीवन को जीना शुरू करेगा तो कब राग खत्म हुआ, कब शुरू हुआ पता ही नहीं चलता। संगीत अपने आप में वही एक साधना है, बल्कि जो व्यक्ति मंत्र योग की साधना कर रहा है या ध्यान की साधना कर रहा है, उसमें जैसे ही वो अपने मंत्र को थोड़ा संगीतमय कर देता है, उसका मंत्र में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। मान लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप ऐसे बोल रहे हैं और मन जो है किसी और चीज का उसने चिंतन शुरू कर दिया उस समय। उस चिंतन को तोड़ने के लिए यदि आप उसको तीव्र कर दें या धीमा कर दें या उसकी ताल को बदल दें तो मन परिवर्तित हो जाएगा। और इसीलिए जो स शब्द है, अक्षर कहा जाए, उसका मूल अर्थ जो सम है, उसका अर्थ होता है एकत्रित हो जाना, उसका अर्थ होता है शुद्ध हो जाना, उसका अर्थ होता है सात्विक हो जाना। पुराने जितने भी नाम थे, जितने भी श्रेष्ठ लोग थे, उनके नाम के आगे सू लगा देते थे, जितने भी उतने अच्छे नहीं थे उनके नाम के आगे दू लगा देते थे। कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, तो केंद्र है सेंटर, संकेंद्रण है फोकस, गीत है गाना, संगीत है उसको समझना, उस पूरे शास्त्र को, उस पूरी विद्या को ग्रहण कर लेना, उसको सुंदर बना देना। और जिन बच्चों को बचपन से ही संगीत का अभ्यास करवाया जाए, मान लीजिए माँ बाप, वो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा संभल के चलते हैं जीवन में, अपने संस्कारों के अनुकूल चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो पथ से विचलित नहीं होते या विमूढ़ नहीं होते, पर गाड़ी उनकी वापिस आ जाती है पटरी पर, क्योंकि एक संस्कृति का संस्कार जो है वो संगीत में बसता है। संगीत के बिना और कहानी के बिना संस्कृति नहीं एग्जिस्ट कर सकती। यदि संगीत है और कहानी है तो संस्कृति है। जिनको हम सूत जी महाराज बोल देते हैं या सूत ऋषि बोल देते हैं, वो वास्तव में वो सूत होते थे जो जा जाकर राजाओं के पास काव्य के भाव से संगीत की मंडली बिठाकर शास्त्र का गायन करते थे। और क्योंकि वो कभी किसी किताब में पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, इसलिए धीरे धीरे करके वही शास्त्रीय संगीत हो गया। ना केवल कि इतना, वो इतना उनको मान दिया जाता था कि उनको हमने ऋषियों की संज्ञा दे दी, क्योंकि उन्होंने ही हमारे शास्त्रों को बचाकर रखा। रसपूर्ण यदि किसी कहानी को बता दिया जाए, वो व्यक्ति के हृदय पर जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो जाती है। तो इतना ही है संगीत पर, बाकी स्वाद चख के देखना होगा। संगीत को वास्तव में जानना है, ये तो मैं संगीत के बारे में बता रहा हूं, संगीत नहीं बता रहा। और जैसा कि हमने एक बहुत पहले दो तीन बार शायद ये कथा सुनाई है, परंतु बहुत सुंदर है, कि जब अकबर के दरबार में तानसेन ने जो राग छेड़ा, तो अकबर के मन में आया कि इनके गुरु कौन हैं। उन्होंने कहा, तानसेन यदि तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना सुंदर गाते होंगे, तुम्हारे उस्ताद कौन हैं। उन्होंने कहा, मेरे गुरु गुरु हरिदास हैं। तो उनको पूरे सम्मान के साथ अकबर ने बोला, इस राज्यसभा में बुलाया जाए, दीवाने खास में उनका समागम रखा जाए। तानसेन ने कहा, जहां पना, मैं तो आपका नौकर हूं,
जहां आप कहेंगे वहां बैठ के गा दूंगा, परंतु वो मेरे गुरु हैं, उनको बुलाना असंभव है, वो नहीं जाते ऐसे, वो नहीं आते कहीं पर भी। तो अकबर ने कहा नहीं, प्रयत्न तो कर देखो, कोशिश तो करो, जाकर न्योता तो दो उनको, निमंत्रण हिंदुस्तान के महाराजा की ओर से जाएगा तो कौन नहीं भागा चला आएगा। सोचने की बात है, अगर आज पीएम के ऑफिस से एक इनविटेशन आ जाए प्लीज आप वहां आ जाओ, कितने लोग हैं जो बोलेंगे नहीं जा सकता, जरूरी है तो तुम आ जाओ इस तरफ। तो हिंदुस्तान के राजा ने निमंत्रण भेजा है, पूरे थाली लेकर सुसज्जित उनको जाकर निमंत्रण दे के आओ। तो तानसेन जो हैं चले जाते हैं गुरु हरिदास के पास, जाते हैं और देखते हैं कि गुरु को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अगले दिन रुकते हैं, फिर चुपचाप वापिस आ जाते हैं। अकबर ने पूछा तानसेन क्या कहा तुम्हारे गुरु ने, कहा जहां पना चाहे फांसी की सजा दे दीजिए, पर मेरी पूछने की हिम्मत ना हुई, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने गुरु को यह आग्रह नहीं कर सका कि आकर राजदरबार में गा दो, आपको मुझे जेल में डालना है डाल सकते हैं, आपको मुझे निकालना है निकाल सकते हैं, आपको मुझे फांसी देनी है तो वो भी हुक्म मुझे कबूल है, परंतु मैं ना उनसे पूछ सका, मेरा धर्म मेरी मर्यादा नहीं कहती कि मैं अपने गुरु को बाध्य करूं। अकबर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे धर्म की कद्र करता हूं, मैं स्वयं जाकर उनको न्योता देके आता हूं। तानसेन ने कहा ऐसा करके देख सकते हैं हम। तो कहते हैं अकबर और तानसेन और उनके कुछ मंत्री और सैनिक चल पड़े। जैसे ही वो हस्तिनापुर दिल्ली के बाहर पहुंचे जहां वो रहते थे गुरु हरिदास, जंगल था और ऐसा लग रहा था कि वहां पर सृष्टि ही ठहरी हुई है। उनकी कुटिया के पास से एक सुंदर राग की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और ये ठीक वही राग था जो कुछ दिन पहले तानसेन ने गाया था। अकबर सुनकर एकदम आनंदित हो गए, जिसको कहते हैं रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना, थम गए वहीं पर, पूरा राग सुना। उसके बाद जब वो भीतर गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया गुरु हरिदास को और बोला कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप कृपया हमारे राज्य में आकर गाइए, हमारे महल में आकर गाइए, वहां पर हमारे जो और सैनिक जो और मंत्री हैं, हमारे जो विशेष लोग हैं, हमारी रानियां हैं, सब सुनेंगी आपको। तो हरिदास ने कहा कि क्षमा कीजिए मैं नहीं आ सकता, मेरा शिष्य है वहां पर, ये सब कुछ वो गा सकता है जो मैं गा सकता हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अकबर ने कहा ठीक है फिर तो हम रुक जाते हैं एक रात, कल आपसे यहीं पर कुछ सुन के चले जाएंगे। अवश्य, हरिदास ने बोला, पर कल मेरा मौन व्रत है। तो उसने कहा कि चलो फिर कभी सुनना पड़ेगा, अभी कुछ सुनाना चाहेंगे आप? उनका सच में सुनाना चाहूंगा, पर अंतिम मैं अपना संध्या का राग गा चुका हूं, मैं अपने भगवान को शयन करा चुका हूं, अब नहीं गा सकता। अकबर वापिस आ जाता है अगले दिन, आकर कुछ दिन चुप रहता है। तानसेन को बोलता है कुछ तो बात है तुम्हारे गुरु में, क्योंकि राग तो तुमने भी गाया, राग उनका भी मैंने सुना, सुर तो वही थे, पर मन में एक बिल्कुल भिन्न भावना जागृत हुई। नहीं तो हिंदुस्तान की भूमि पर अकबर को कोई ना कह दे ऐसा मैंने आज तक देखा ना था, अकबर ने कहा।
मेरे ही मुंह पर मुझे ही व्यक्ति ना बोल रहा है और मैं कुछ राजपाठ नहीं मांग रहा उसका, आदर से उसको व्यक्ति को बुलाने गया हूं। ऐसा क्या खास है, तुम्हें क्यों लगता है तुम ऐसी साधना क्यों ना कर पाए कि अपने गुरु या उससे बढ़कर गा सकते? तुम्हारे और उनके राग में क्या अंतर था? तानसेन ने कहा, गुस्ताखी माफ जहां पना, परंतु मैं आपके लिए गाता हूं, वो केवल भगवान के लिए गाते हैं, इसीलिए वो अंतर था। तो अकबर ने कहा, मानना पड़ेगा तानसेन, तुम्हारे गुरु शायद भारतवर्ष के, इस हिंदुस्तान की भूमि के सबसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हैं। फिर से क्षमा चाहूंगा, तानसेन ने कहा। जहां पना, मेरे गुरु संगीतज्ञ नहीं है, वो संगीत है। सिया राम मय सब जग जानी है ना, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते हैं कि उस व्यक्ति को केवल सब जगह ईश्वर ही दिखाई पड़ता है, और यही संगीत की जो पराकाष्ठा होती है कि जो संगीतज्ञ होता है वो संगीत बन जाता है। एक्टर और कैरेक्टर में कोई अंतर नहीं रह जाता, एक हो जाता है। फिर जो हृदय से तरंग निकलती है, जो एक सुर निकलता है, जो एक ताल निकलती है, वो अद्वितीय होती है, अभूतपूर्व होती है। तो इतना ही है संगीत पर जो हम कहना चाहेंगे आज के लिए।